पाओगे 2024 का पल्सर NS125 का अपडेटेड मॉडल, जिसमें आता है भाई LED हेडलैम्प, जैसा कि देख पाओगे आपको देखने को मिलेगा ऑल डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। साउंड बहुत सही चलाने का सही है, मतलब NS मीन्स यू हैव टू कीप द बाइक इन द रेड लाइन, मतलब रेड लाइन में रखो NS फुल करेगा भाई, लिटरली थर्ड गियर का लिमिटर लग रहा है कितना लंबा भाई, समझ रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे 2024 का पल्सर NS125 का अपडेटेड मॉडल, जिसमें आता है भाई LED हेडलैम्प, जैसा कि देख पाओगे। तो ये अपडेटेड मॉडल है फॉर द ईयर 2024 ऑफ पल्सर NS125। इसमें LED हेडलैम्प आता है ना, यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो इसमें आपको ऑल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, एंड ऑफकोर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑल LED न्यू सेटअप ऑफ हेडलैम्प, जैसे कि आप देख पाओगे। तो ये है अपडेटेड फॉर द 2024। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या NS125 लेना बेटर रहेगा कि नहीं, या सेगमेंट में बोला जाए तो हीरो एक्सट्रीम 125 या बोला जाए तो TVS रेडर 125 लेना बेटर रहेगा, क्योंकि देखो पल्सर NS125, TVS रेडर 125 एंड हीरो एक्सट्रीम 125 आर ही 125 cc का तीन बेस्ट स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट वाला बाइक है। तो ये तीनों का रिलेटेड आज का वीडियो होगा, मैं बता दूंगा क्यों पल्सर NS125 लेना बेटर रहेगा फॉर द 2024, क्या ये वर्थ बाइंग है ओवर TVS रेडर 125 या हीरो एक्सट्रीम 125। तो एक चीज़ बोलूँगा गाइज, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। यानी एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइज, इतना जो ज़्यादा मेहनत करो, डेली जो वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा लव सपोर्ट करो, तब जाके और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। एक चीज़ बोलूँगा, ये वाला जो अपडेटेड 2024 का पल्सर NS125 है, जिसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा विद ब्लूटूथ फीचर्स, तो ये फाइनली हमारा श्री दुर्गापुर में अवेलेबल है बनर्जी बजाज के आउटलेट पे। तो आप लोग चेक डाउन करना, अगर आपको बजाज का कोई भी टू व्हीलर लेना है भाई लोग, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग यहाँ पे आना है। आपको स्पेशल बजाज का जो कोई भी टू व्हीलर लेना है, स्पेशल फीचर्स आप लोग अवेल कर पाओगे, तो शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक डाउन करना। तो सबसे पहले देख पाओगे ये है 125 सीसी का एक जबरदस्त बाइक है फ्रॉम द ब्रांड पल्सर, फ्रॉम द ब्रांड NS। तो NS का तीन वेरियंट्स आता है, ऑफकोर्स 200, 160 एंड 125। तो यहाँ पे देख पाओगे ये NS125। हाँ तो भाई NS125 है, थोड़ा सा कम्यूटर सेगमेंट के लिए बनाया गया है विद द स्पोर्ट स्टाइलिंग। तो ये वाला देख पाओगे बहुत जबरदस्त, मतलब स्टाइलिंग देखो कहीं ना कहीं सेम ही है। देखो यहाँ पर टैंक पोर्शन में थोड़ा सा आपको पल्सर का 3D वाला लोगो मिलेगा, ये थोड़ा वाइब्रेंट ऑरेंज वाला कलर है। एंड आप कहीं से भी देखो भाई, मतलब आपको NS160 और 200 जैसा ही आपको सिमिलर डिजाइनिंग मिलेगा। पीछे भी देखोगे, पीछे का जो बैकलाइट है एकदम सेम ही है, देखने में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको सबको डिफरेंसेस दिखेगा। एंड इसमें ऑफकोर्स अपडेटेड डिजिटल मीटर आता है, जिसको मैंने आप लोग कुछ दिन पहले आपको बोला था, तो ऐसा कुछ सीन है, तो देखने में सही लग रहा है। तो इसका जो मेन राइवल है भाई बोला जाए तो TVS रेडर 125 एंड हीरो एक्सट्रीम 125R। तो अभी फाइनली इसमें मस्त अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम द बजाज के तरफ से। तो क्या आपका NS125 लेना बेटर रहेगा, या दूसरा ब्रांड का आप TVS रेडर 125 लोगे, या लोगे भाई आपका हीरो एक्सट्रीम 125R। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो अगर लुक्स के बारे में बात करें, मस्कुलर अपील के बारे में बात करें, तो आज के डेट में कहीं ना कहीं NS125 उतना ओल्ड स्कूल नहीं लगता है, मतलब देखने में सही लगता है, मतलब एक ओवरऑल मस्कुलर बाइक एंड बिग बाइक फील देगा। लेकिन आपको एक फ्रेश न्यू लुक चाहिए दिन भाई, हीरो एक्सट्रीम 125R से बेटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो आपको भी पता है। एंड रेडर 125 थोड़ा सा मुझे टोन डाउन वर्जन, थोड़ा लाइट, मतलब थोड़ा पतला लगता है, लेकिन मतलब पर्पजफुल मस्कुलर नहीं लगता है। तो ये बात आप लोग देखना, अगर आपको एक बिग बाइक फील चाहिए, मस्कुलर बाइक चाहिए, देन NS125 एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक चाहिए इन टू द सेगमेंट ऑफ 125, देन एक्सट्रीम 125R एंड ओवरऑल एक स्लिम बाइक चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिले, देन TVS रेडर 125। मैंने आई थिंक बता दिया है, सामने है तो भाई सामने आपको देखने को मिलेगा ऑल LED हेडलैम्प। तो ये देख पाओगे अपग्रेड हुआ था फॉर द 2024। तो ये है NS125, मतलब 160-200 में सेम LED यूनिट आता है, इसमें भी वही है। ऑफकोर्स NS160-200 में LED इंडिकेटर आता है, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बल्ब इंडिकेटर मिलेगा, तो LED नहीं है। तो ऑफकोर्स 125 में तो थोड़ा कॉस्ट कटिंग रहेगा। सामने आपको 33mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, क्योंकि 200-160 में USD आता है। सामने देख पाओगे 260mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो कोई ABS नहीं है। लेकिन इसका जो अर्थ राइवल है भाई बोला जाए तो हीरो एक्सट्रीम 125R, उसमें आपको ABS भी देखने को मिलेगा एंड 286mm का बड़ा डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो यहाँ पे आपको मतलब सिंगल पिस्टन, डुअल पिस्टन कैलिपर मिलता है, एंड्यूरेंस का है, रबर बेडेड लाइन, एटलीस्ट स्टील बेडेड लाइन हो सकता था क्योंकि NS सीरीज का बाइक है, तो इस तो बजाज ने दिया नहीं, एक्चुअली इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक ही आता है। तो ऐसा ही कुछ सीन है, एटलीस्ट NS125 में भी अगर डुअल डिस्क ब्रेक का सिस्टम आ जाता है या ट्विन डिस्क ब्रेक वाला मॉडल आ जाता तो और ज़्यादा बेटर होता भाई। तो फ्रंट वाला टायर ऑफकोर्स 17 इंचेस का है, 80x100 17 इंचेस का टायर आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में, 17 इंचेस का एलॉय। पीछे भी देख पाओगे एलॉयस का डिज़ाइन सेम है एज कम्पेयर टू NS200 एंड NS160। तो पीछे वाला जो टायर है भाई, पीछे वाला 100x90 17 इंचेस का टायर, तो कहीं ना कहीं पीछे से देखो ये जो मस्कुलर लुक है, ये लुक में भाई ये पतला टायर बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। देखो ये लुक के साथ ये जो टायर का विड्थ है एकदम सूट नहीं करता, बहुत
पतला लगता है। तो ऐसा कुछ सीन है पीछे, ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा भाई नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन जो NS 160 और 200 से ही डिराइव्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है फॉर बेटर एफिशिएंसी, जैसा कि आई थिंक आप लोग देख पाओगे। तो ये थोड़ा सा ट्यून किया गया है फॉर बेटर कम्फर्ट, क्योंकि ऑफकोर्स NS 125 है तो ये थोड़ा कम्फर्ट ओरिएंटेड वाला बाइक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे इसको टोन किया गया है, ऐसा ही कुछ सीन है। तो मुझे मोरलेस जो भी फीचर्स था मैंने बताया है। अच्छा, चलो इंजन परस्पेक्टिव का बात करें तो ऑफकोर्स भाई ये 125 सीसी का इंजन है जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 11.8 एचपी एंड टॉर्क है 11 Nm का, जो कि जबरदस्त बात है। एंड दिस इंजन इज मेड टू अ 5-speed गियर बॉक्स, ऑफकोर्स अभी सिंगल स्पार्क प्लग आता है, पहले वाला मॉडल में यहाँ पे आपको DTSI लिखा हुआ था, तो ट्विन तो डिजिट मतलब ट्विन स्पार्क प्लग सिस्टम पहले आता था, अभी यह सिंगल स्पार्क प्लग कर दिया बजाज ने, तो पता नहीं ऐसा क्यों किया लेकिन किया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11.5 से 12 लीटर्स का, देखोगे इथेनॉल 20 एंड OBD2 का ब्रांडिंग है, तो लेटेस्ट वेरिएंट है भाई लोग, ऐसा ही कुछ सीन है। तो ओवरऑल जो बाइक था मैंने बता दिया क्या सब चेंजेस है, मोरऑल डिज़ाइन तो वही है, इसमें भी आपको स्टील पेरीमीटर फ्रेम मिलता है जो 160-200 में मिलता है ऑफकोर्स। एंड देख पाओगे यहाँ पे जो स्विंगम है सेम यूज़ किया गया है 160, तो यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी आपको अंडरबेली देखने को मिलेगा जो कि TVS रेडर और हीरो XC 125R में बाहर निकले एग्जॉस्ट मिलेगा। एंड सीट का यहाँ बोला जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब सीट थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है 810 mm के आसपास है, तो मैं जैसे 5'8" का बंदा हूँ तो मैं बैठता हूँ तो मुझे कोई इशूज़ नहीं होता, मेरा पैर आराम से पहुँचता है। तो देख पाओगे कॉकपिट का व्यू भी ज़बरदस्त है, डिस्प्ले भी सही है, लेकिन NS का जो भाई वो डिस्प्ले था जिसमें मीटर जाता था उसका एक अलग लेवल का ही फील था। तो दिस इंजन इज वेरी टू अ 5-speed गियर बॉक्स। सीट हाइट देखोगे ठीक है, पिलियन के लिए जो सीट है वो भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न्स बना हुआ है, पीछे पिलियन के लिए ग्रैब रेल है, अगर कोई बैठता है तो इशू नहीं होगा। एंड अगर किसी का गर्लफ्रेंड है मम्मी है तो उसके लिए देखो साड़ी गार्ड भी दिया गया, तो सिंगल साइड करके भी बैठ सकता है आराम से, क्योंकि जो पिलियन के लिए जो फुट ग्रैब रेल है वो पहले से प्री इंस्टॉल आता है कंपनी की तरफ से, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि NS 125 कम्यूटर सेगमेंट का बाइक है तो कंपनी ने ध्यान में सोचते हुए ही बनाया है। एंड ये बोला जाए तो 125 सीसी का वन ऑफ द हेवीएस्ट बाइक है, क्योंकि XT 125R या बोला जाए तो TVS रेडर सबसे हल्का बाइक है, ये सबसे भारी बाइक है, क्योंकि इसका जो कव वेट है नियर अबाउट 148 kg के आसपास जाता है भाई लोग, जो है मैंने आपको बता दिया है भाई। एंड एक्चुअली ये NS 200 160 से डिराइव्ड बॉडी टाइप है, तो इसलिए इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, अगर वेट कम होता तो इसका परफॉर्मेंस डेस्टिन सेगमेंट होता, क्योंकि डेस्टिन सेगमेंट पावर फिगर्स आता है। एंड TVS जो रेडर है वो भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा कम ही पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि वो लाइटर बाइक है तो ज़्यादा अच्छा एक्सलेट करता है, ये बात आप लोग जान लो। एंड हीरो XT 125 है वो थर्ड पे आता है कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अगर ये तीन बाइक को रखा जाए पल्सर NS 125, TVS रेडर 125 एंड हीरो XT 125R, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बोला जाए, मैंने पर्सनली चलाया तो रेडर का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है, पल्सर NS 125 यहाँ पे है एंड हीरो XT यहाँ पे है, मतलब मिडिल पे है NS 125, ये थोड़ा सा ओवरऑल प्रैक्टिकल बाइक है हर तरफ से, लेकिन इसका सीट थोड़ा ऊंचा है भाई पिलियन वाला, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो मोरलेस जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। एंड फाइनली हमारा श्री दुर्गापुर में पल्सर NS 125 अपडेटेड 2024 मॉडल अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ एक शोरूम 1,09,200 के आसपास, मतलब 1,09,200 के आसपास है पल्सर NS 125 का एक शोरूम बनर्जी बजाज दुर्गापुर हमारा जो आउटलेट है। तो ऐसा ही कुछ फीचर्स चलो मैंने बता दिया है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट सब कुछ कर पाओगे, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा ठीक है, तो ब्लूटूथ भी मिलता है, बजाज का रेडियोलॉजी ऐप भी मिलेगा, लेकिन जो NS 160 एंड 200 में जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा वही वाला फीचर इसमें मिसिंग, अदरवाइज मोरलेस जो भी फीचर्स है मैंने आपको बता दिया। तो चलो थोड़ा टेस्ट राइड करते हैं एंड बताते हैं कि कैसा है चलने में 2024 का पल्सर NS 125, क्या ये TVS रेडर 125 से या XT 125R से बेटर है कि नहीं, या वर्थ बाइंग ओवर दैट टू बाइक है कि नहीं पल्सर NS 125। चलो थोड़ा टेस्ट सेट करते हैं, आगे का वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वेलकम इनटू द राइड रिव्यू ऑफ 2024 का पल्सर NS 125 जो कि न्यू मॉडल है, LED हेडलैम्प एंड डिजिटल डिस्प्ले, एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनो अंडर भी आता है। तो साउंड तो स्मूथ है भाई, ड्रॉप करते पहला गियर हम देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा, परफॉर्मेंस ठीक ही लग रहा है बट कहीं ना कहीं अगर भाई परफॉर्मेंस तो सही लगा मुझे ठीक है भाई। क्लच बहुत लाइट है, मतलब देखो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा, अगर देखो कोई अगर NS 160 200 चलाया है अगर उसके बाद अचानक से अगर चलाए NS 125 तो कहीं ना कहीं लगेगा कि NS 160 200 ही चलाना है, थ्रॉटल देगा लेकिन पुल उस तरह से नहीं किया, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है, नॉट बैड, मतलब क्या है कि गियरिंग टॉल है तो अच्छा खासा स्पीड बना रहा है, सेकेंड गियर पे है, परफॉर्मेंस ठीक ही लग रहा है, नॉट बैड ब्रो, गियरिंग इज ऑन अ टॉलर साइड, अभी भी मैं थर्ड गियर पे हूँ, मैं फोर्थ गियर फिफ्थ गियर मारा ही नहीं क्योंकि थर्ड गियर का लिमिटर ही नहीं लगा, तो समझ लो गियरिंग इसका टॉलर साइड पे है। तो अगर कंपटीशन के हिसाब से बोला जाए तो भाई देखो
कंपटीशन में अगर टीवीएस अपाची नहीं तो अगर कंपटीशन में बोला जाए भाई अगर टीवीएस रेडर 125 से बोला जाए तो उसका परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि लाइटर बाइक है, 3 valve इंजन के साथ आता है, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा नेक्स्ट लेवल ही होगा भाई, जो हकीकत बात है। लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस कुछ ख़राब नहीं है भाई। एंड NS125 बोला जाए तो Xtreme 125R एंड TVS Raider 125R का बीच का मतलब फीलिंग है, मतलब बीच का बाइक है जो दोनों स्थिति से बेस्ट है। अगर मैं थ्रॉटल देता हूँ भाई सेकंड गियर एंड एक बार रिंग करता हूँ थ्रॉटल, देखो टाइम ले रहा है बट पुल कर रहा है भाई। 10,000 RPM रेट लाइट है भाई, सच है गियरिंग रॉन्ग होने 125 cc भाई। अभी मैं थर्ड गियर का लिमिटर नहीं पहुँचा, थर्ड गियर में ही था, तो सोच रहा मतलब फोर्थ गियर भी नहीं मारा, फिफ्थ गियर भी नहीं मारा, तो इसको अगर फोर्थ गियर मारते फिफ्थ गियर, देखो बाइक स्मूथ है, क्योंकि ऑफकोर्स BS6 S2 कंप्लाइंट इंजन आता है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथनेस भी सही है भाई, डिसेंट है ना स्मूथनेस है। लेकिन बजाज का बाइक पहले से स्मूथ है, डाउन सीट बहुत मक्खन है भाई, ये तो 201 cc से भी इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। तो चलो चलाने में तो अच्छा लगा, जैसे थ्रॉटल देते हैं, देखो जैसे मैं अभी फिफ्थ गियर पे हूँ, ठीक है, तो अभी देखो लो एंड टॉर्क अच्छा है, तो जैसे अभी मैं फिफ्थ गियर पे हूँ, तो मैं जितना लो RPM जा सकता हूँ उतना RPM जाके आपको दिखाऊंगा पुल कैसा करता है, तभी आपको लो एंड पिकअप पता चलेगा। तो अभी मैं आराम से फिफ्थ नंबर गियर पर, आई थिंक अगर देख पाओगे तो फिफ्थ नंबर गियर पर हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1500 RPM है, और नीचे जाने देता हूँ, देखता हूँ, तो 1000 RPM से अगर मैं पूरा थ्रॉटल देता हूँ, मैंने पूरा वाइड ओपन कर दिया थ्रॉटल, अब देखो धीरे धीरे पेस जनरेट कर रहा है, स्लोली इट इज पिकिंग अप द पेस, एंड ओ बॉय आफ्टर 6000 RPM देयर विल बी अ ब्लास्ट, लिटिल बिट ब्लास्ट एज कम्पेयर टू 125 cc, तो परफॉर्मेंस सही है। ब्रेक बाइट भी ठीक लग रहा है, ब्रेक बाइट थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, तो इसमें आता है भाई IBS और CBS टाइप का फीलिंग, मतलब इफ यू अप्लाई द रियर ब्रेक द फ्रंट विल ऑल्सो अप्लाई, तो ऐसा ही कुछ सीन है। NS चलाने के लिए भाई आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा भाई, तब जाके आप मजा कर पाओगे भाई, परफॉर्मेंस सही है, हैंडलिंग भी सही है, डाउन मतलब इंजन ब्रेकिंग क्या हो रहा है भाई 125 cc में, जबरदस्त इंजन ब्रेकिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा टर्निंग रेडियस देखता है कैसा है, तो यहाँ से मैं अगर बाइक घुमाता हूँ तो टर्निंग रेडियस डिसेंट एनाफ ही है भाई, चलाने के मामले में 125 सही है भाई, स्मूथ है बहुत, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, मैं इतना स्मूथ नहीं एक्सपेक्ट किया था कि NS125 इतना ज़्यादा स्मूथ होगा, चलाने के मामले में सही है भाई लिटरली। ऐसे मैं वाइड ओपन थ्रॉटल करता हूँ, जैसे परफॉर्मेंस भाई बजाज बजाज है भाई, लुक एट द टॉल गियरिंग भाई, लुक एट द टॉल, अभी भी थर्ड गियर पे हैं, फोर्थ गियर अभी भी हम अप्लाई नहीं किए हैं भाई, थर्ड गियर पे ही चल रहा है, मतलब इतना लंबा गियरिंग है, देखो थर्ड गियर पे ही चल रहा है भाई, नो एट ऑल को मैंने फोर्थ गियर नहीं दिया है, मतलब परफॉर्मेंस इतना सही है भाई लिटरली। मैंने अभी सेकेंड गियर पे, मैं मतलब NS125 का गियरिंग इतना टॉल होगा मुझे नहीं पता था भाई, सेकेंड गियर कमन 10,500 रेड लाइन कर रहा भाई, लुक एट द परफॉर्मेंस ब्रो, सच अ गियरिंग टॉल है भाई, NS सीरीज मतलब लॉन्ग गियरिंग, मतलब इस गाड़ी को अभी मैंने जैसे फिफ्थ गियर लगाया, फिफ्थ गियर में मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं मिला, कोई ओवरटेक करने का पावर नहीं मिल रहा है, फोर्थ गियर थर्ड गियर सेकेंड गियर एंड ओवरटेक करने का पावर आ गया, तो आपको भाई आपको यहाँ पे हाई RPM पे रहना पड़ेगा लो गियर पे, तब जाके आप जल्दी से ओवरटेक कर पाओगे, तो ये फायदा है NS सीरीज का 160 लो 200 लो सबका सेम प्रॉब्लम भाई, लो एंड सेंट्रिक बाइक नहीं बनाता, बजाज टॉप एंड सेंट्रिक बनाता है, स्पेशली NS सीरीज प्रीमियम सीरीज है थोड़ा सा, और ब्रेक बाइक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे फीका लग रहा है, और इसमें ऑफकोर्स भाई NS सीरीज का बाइक है, तो इसमें एटलीस्ट होना चाहिए था भाई, बोला जाए तो ट्विन डिस्क, लेकिन ट्विन डिस्क मिसिंग है भाई, एटलीस्ट पीछे 100 सेक्शन का टायर है, तो एटलीस्ट 120 सेक्शन करके ट्विन डिस्क देता, जैसे N150 में वो वाला अगर कर देता बजाज तो मज़ा आ जाता भाई, लिटरली चलाने में मज़ा है भाई, लिटरली थर्ड गियर कितना टॉल है भाई, मतलब मैं अभी तक फोर मतलब थर्ड गियर का लिमिटर ही हिट नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभी ये सब स्ट्रेच पे ये सब रोड पे RC 200 NS 200 का लिमिटर हिट हो जाता है भाई थर्ड गियर भी, ये तो हिट ही नहीं कर रहा, मतलब खींचते चला जा रहा है भाई, तो सेकेंड गियर है, हम पूरा थ्रॉटल दे दिए हैं, कमन NS पुल कर रहा है ज़बरदस्त, थर्ड गियर का अभी तक लिमिटर हिट नहीं हुआ है भाई, अब जाके लिमिटर लगा थर्ड गियर का भाई, मतलब समझ रहे हो, अंडर ब्लेक जो बहुत स्मूथ साउंड है भाई, फोर्थ गियर फिफ्थ गियर बहुत स्मूथ लगा मुझे चला के, तो लिटरली बहुत सही लग रहा है चला के बाइक, एंड जैसे ड्रॉप करते पहला गियर थर्ड गियर एंड चलाने देखोगे, मतलब बाइक का हैंडलिंग बहुत प्यारा, मतलब ये बहुत कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है, तो देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, NS125 या हीरो XT125R या बोला जाए तो TVS Raider 125R किसको लेना चाहिए, मतलब ये जो तीन बाइक का मैं नाम ले रहा हूँ ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट पे आता है, ठीक है, तो ये तीनों किसको लेना चाहिए, देखो अगर कोई 110 cc चला रहा है, 100 cc का बाइक चलाता है, अगर 125 cc में अपग्रेड करना चाहता है, नॉट अ कम्यूटर, अगर 125 cc कम्यूटर नहीं लेना चाहता लाइक ग्लैमर और SP125, ठीक है, तो अगर लेना चाहता है स्पोर्ट्स कम्यूटर, ब्यूटीफुल लुकिंग स्पोर्ट्स कम्यूटर विद गुड एनफ फीचर्स, देन भाई तीन बाइक सेगमेंट्स आपको मिलेगा, NS125, TVS Raider 125 जो 3 valve इंजन के साथ आता है, ऑफकोर्स आपको देखने मिलेगा Hero Xtreme 125R। देखो अगर परफॉर्मेंस वाइज बोला जाए तो TVS Raider बेटर है, क्योंकि 3 valve इंजन आता है ऑफकोर्स भाई, एंड
उसके बाद आता है NS125 हमारा डाउनशिफ्ट थर्ड, एंड जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस, थर्ड ईयर में डालते ही बाइक कूल कर रहा भाई, थर्ड ईयर में डालते ही NS कूल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रेक ब्रेक ठीक लगा भाई, ऑफकोर्स 125 सीसी के हिसाब से ब्रेक सही है भाई। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक के दिखाएंगे कि इसका LED कैसा चल रहा है न्यूट्रल पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाओ भाई, तो ट्री के सामने थोड़ा रुकते हैं, शेल्टर लेते हैं, आपको हम अपना NS125 दिखा देते हैं भाई, लुकवा कैसा लग रहा है दिखने में। तो भाई लुक देखो बहुत शानदार लग रहा है। तो ये है ऑरेंज कलर फॉर द ईयर 2024 पल्सर NS125 विद अपडेटेड LED हेडलैम्प, जैसे कि देख पाओगे सामने LED हेडलैम्प चल रहा है 125 में, एंड यहाँ पे देख पाओगे NS125 है, एंड मीटर भी देख पाओगे सेक्सी है भाई। तो NS125 चला के तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत सही गाड़ी है भाई, मतलब लिटरली मैं बहुत दीवाना बन चुका NS125 का। पीछे कोई आ नहीं रहा है, रोड्स क्लियर है, साउंड बहुत सही, चलाने में सही है, मतलब NS मीन्स यू हैव टू कीप द बाइक इन द रेड लाइन, मतलब रेड लाइन में रखो NS पुल करेगा भाई, लिटरली थर्ड गियर का लिमिटर लग रहा है कितना लंबा भाई, समझ रहे हो। ये मतलब फीलिंग नहीं आपको मिलेगा TVS Raider में, ना ही मिलेगा एक्सट्रीम 125 में, तो ये फीलिंग है भाई, मतलब गियरिंग बहुत टॉलर साइड में, तो मैं थर्ड गियर थ्रॉटल दिया हूँ, गियर लिमिटर लगे अब जाकर लिमिटर लगा, क्लचलेस अप शिफ्ट टू फोर्थ गियर एंड क्लचलेस अप शिफ्ट टू फिफ्थ गियर भाई। इंजन ब्रेकिंग बहुत सही तरीके से हो रहा है भाई, बहुत सही लगा। इंजन ब्रेकिंग अगर आपको आता है तो आप कोई भी बाइक कहीं भी किस तरह से भी कंट्रोल कर पाओगे, तो ये फ़ायदा है भाई NS125 का। क्या हैंडलिंग है भाई, मतलब लिटरली बहुत सही चलने में है, मुझे पर्सनली चला के बहुत अच्छा लगा लिटरली। देखो मतलब एक चीज़ है कि इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार आता है, ना ही एक्सट्रीम 125 आर के या TVS Raider की तरह आपको सिंगल पीस हैंडल बार आता है, तो सिंगल पीस हैंडल बार का भी फायदा, लेकिन क्लिप ऑन में क्या होता है थोड़ा स्पोर्टीनेस ज़्यादा फील होता है, ये बात आपको भी पता होगा। तो मुझे पर्सनली चला के तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरटेक करना है तो सेकेंड गियर ड्रॉप करो, NS पुल कर लेगा भाई, ये फ़ायदा है। सेकेंड गियर आपको ड्रॉप करना, थर्ड गियर है, कमन 6000 RPM है, सी हाउ NS125 इज पुलिंग भाई, सो टॉल गियरिंग भाई, लिटरली मज़ा आ गया चला के भाई। कभी सोचा नहीं था कि 125 cc को मैं इतना प्रेस करूँगा चलाने के मामले में, तो फीलिंग फैक्टर सही है भाई। देखो ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट इनफ है, आराम से निकल गया, कोई इशूज़ नहीं हुआ, तो चलाने के मामले में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, लिटरली व्हाट अ ब्यूटीफुल मशीन। तो चलो सही लगा चला के, परफॉर्मेंस भी सही है, देखो मैं पुल कर रहा हूँ जैसे, भाई लुक एट द पुल भाई, लुक एट द पुल भाई, सच में भाई ये वाला पुल देखो। एक्सट्रीम 125 आर में तो सिर्फ लुक्स मिलेगा और आपको मोटा टायर मिलेगा, मोटा USD मिलेगा, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस और फीचर्स भी नहीं मिलेगा जो इसमें फीचर्स में, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं थ्रॉटल डाउन किया भाई, देखो पुल देख रहा भाई, सच में यार सोचा नहीं था NS125 चला के इतना मुझे एंजॉय फील होगा 125, मतलब क्या परफॉर्मेंस है भाई, लिटरली परफॉर्मेंस बहुत सही है भाई। थ्रॉटल कम ऑन भाई, इसका RPM के ऊपर लाइट भी है, रेड लाइन होने के टाइम ग्रीन लाइट जलता है, एंड परफॉर्मेंस देखो क्या सही है भाई, लिटरली सस्पेंशन भी ठीक है, नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन आता है पीछे, एंड सामने आता है आपको 33mm का टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल, भाई परफॉर्मेंस सही है भाई NS125 का। ऑफकोर्स TVS Raider जैसा नहीं, इंजन ब्रेकिंग देखो भाई, लिटरली इंजन ब्रेकिंग करते क्या परफॉर्मेंस है भाई, सच में मजा आ गया NS125 चला के। तो फाइनली हमारा श्री दुर्गापुर बनर्जी बजाज में अवेलेबल है, एक शोरूम प्राइस ऑफ 1,09,200 समथिंग, तो आप लोग चेक डाउन करना कि आपको लेना है कि नहीं। तो फॉर द ईयर 2024 एक चीज़ जो मुझे बोलूँगा, देखो LED हेडलैम्प दे दिया, मतलब ऑल डिजिटल डिस्प्ले दे दिया, SMS अलर्ट, कॉलर नोटिफिकेशन अलर्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, रेंज किलोमीटर पर आवर, ट्रिप का कितना एफिशिएंसी है सब दिखाता है, ठीक है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं दिया, जो NS160 N200 में वो आपको देना चाहिए था 100 में, लेकिन मैं समझता हूँ बजाज ने क्यों नहीं दिया भाई, मतलब जस्ट टू कीप दैट प्रीमियम सेगमेंट ऑफ NS160 N200 हाई, इसलिए नहीं दिया, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं बचता, ऐसा ही कुछ ही नहीं। लेकिन देखो अगर आपको फीचर इच वाला गाड़ी चाहिए, TFT डिस्प्ले चाहिए, ग्रेट परफॉर्मेंस चाहिए, रिवॉल्विंग इंजन चाहिए, ठीक है, देन यू गो फॉर TVS Raider। उसमें आपको राइडिंग मोड भी मिलेगा, पावर एंड इको मोड मिल जाएगा, तो TVS Raider ले सकते, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, रिवॉल्विंग इंजन चाहिए, TFT डिस्प्ले चाहिए, एवेंजर्स का स्क्वाड एडिशन, डिफरेंट कलर वेरियंट चाहिए, देन एंड गो फॉर TVS Raider। अगर आपको देखो लुक्स चाहिए, ठीक है, बिग बाइक फील नहीं चाहिए, एक फ्रेश न्यू लुक चाहिए भाई, एंड परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिले, नॉट बैड, मतलब अप टू द मार्क नहीं, ठीक ठाक कंप्यूटर सेकंड वाला परफॉर्मेंस आपको मिल जाए, देन आप जा सकते हो हीरो एक्सट्रीम 125 आर की तरह, वो भी बेटर गाड़ी है भाई, लुक्स में सही है, उसमें सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है वो तो और ज़बरदस्त लुक है भाई, एंड ये भी सही है। एंड NS125 किसको लेना चाहिए,
इसको भाई पल्सर ही लेना है, बिग बाइक फाइल, बिग बाइक फील चाहिए, मस्कुलर लुक चाहिए, देन भाई एन एस 125 ले सकते हो। ऐसा सुने भाई चलाने में सही है भाई। सेकेंड गियर लुक एट द थर्ड गियर पुल भाई, मतलब क्या पुल है भाई, सच में दीवाना कर दिया भाई NS 125 ने। वाट अ पुल, वाट अ इंजन मैन, वाट एन इंजन मैन, लिटरली मजा आ गया भाई। सच में मैं कभी सोचा नहीं था 125 सीसी में इतना मजा आएगा। तो चलो अच्छा लगा चला के। थर्ड गियर, लुक एट द परफॉर्मेंस भाई, लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ NS 125 भाई, क्या परफॉर्मेंस है, लिटरली मजा आ रहा है भाई चला के। कभी सोचा नहीं था 125 में इतना मजा आएगा। इंजन ब्रेकिंग करना सेफ से। तो चलो आज की वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।